गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फिट एंड फाइन. सो वंस अगेन वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस. आई एम योर साइंस टीचर. सो स्टूडेंट्स, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू मेक यू ए स्टडी वेल. आई होप यू आर रीडिंग टू एवरी पार्ट ऑफ चैप्टर 1, न्यूट्रिशन इन प्लांट. उम्मीद है आपने पार्ट 1 और 2 रीड कर लिया होगा. अब हम चलते हैं पार्ट 3 पर. So today we will continue our chapter reading part 3. First part में हम लोगों ने read किया था कि nutrients किस तरह से मिलता है और कौन सा होता है, mode of nutrition in plant, photosynthesis की जो process होती है वो हमने पढ़ी थी. अब next हम चलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस. जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं वे कारक. फैक्टर्स मीन्स कारक या कारण. फोटोसिंथेसिस इज अफेक्टेड बाय ए नंबर ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर. जो पर्यावरण में कारक होते हैं फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने के, वो इस प्रकार है. लाइट इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता. एज द लाइट इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड, जब लाइट की तीव्रता बढ़ती है, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस की दर इंक्रीज्ड बढ़ती है ऑलमोस्ट लाइनरी रेखीय रेखा के द्वारा. एट हायर लाइट इंटेंसिटी, जब हायर लाइट इंटेंसिटी उच्च लाइट या उच्च प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम लिमिटिंग, तब क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की दर कम हो जाती है. नेचर ऑफ लाइट, द ब्लू एंड रेड रीजन्स ऑफ द विजिबल लाइट आर मोस्ट इफेक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस. इफ द लाइट ऑफ सम अदर कलर्स इन मेडो टू फॉल ऑन द प्लांट्स, देन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज. ब्लू और रेड क्षेत्रों में जब लाइट फोटोसिंथेसिस पर पड़ती है वो मोस्ट इफेक्टिव होती है, ज्यादा महत्वपूर्ण होती है. इफ द लाइट ऑफ सम अदर कलर्स, यदि लाइट ऑफ सम अदर कलर, अन्य कलर की लाइट उन पर पड़ती है, किस पर, मेड टू फॉल ऑन द प्लांट्स, पौधों पर, तो इससे क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की दर कम हो जाती है या फोटोसिंथेसिस पर इफेक्ट पड़ता है. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, पुअर अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की पुअर अवेलेबिलिटी होती है, तब क्या होता है, लोअर द एक्सटेंड्स रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तब भी फोटोसिंथेसिस की दर कम होती है, फोटोसिंथेसिस पर इफेक्ट होता है. टेम्परेचर, द टेम्परेचर डज नॉट अफेक्ट द लाइट रिएक्शन, टेम्परेचर इफेक्ट नहीं करता है लाइट रिएक्शन को, बट लेकिन अफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है. द डार्क रिएक्शन मार्कली, जहाँ पर अंधेरा या डार्क रिएक्शन मार्कली होता है, यानी कि अंधेरे जो अंधेरे वाले कौन से क्षेत्र होते हैं वहां पर. द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फोटोसिंथेसिस वेरियस फ्रॉम प्लांट टू प्लांट, तब तापमान इफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को पौधों से पौधों तक. इन एडिशन टू दिस फैक्टर, इसके अलावा द इंटरनल फैक्टर सच एज एज ऑफ द लीफ, इसके अलावा कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इफेक्ट करते हैं पत्ते की, एज द लीफ, पत्ते की तरह क्लोरोफिल लेवल इन लीफ, पत्तों में क्लोरोफिल का लेवल, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ, लीफ मीन्स पत्ते, पत्ते की बनावट या पत्ते की संरचना, ETC एक्सेट्रा, ऑल्सो अफेक्टेड फोटोसिंथेसिस. ये सारे कारक क्या हैं, फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं. एक्टिविटी 1, टू शो दैट ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फिगर 1.2. 1.2 में आपको एक फिगर दिया हुआ है और ये एक्टिविटी है जो कि आप खुद रीड करेंगे और समझेंगे. नेक्स्ट भी एक्टिविटी 2 इसी तरह से है, आप ही को रीड करनी है और समझना है. एक्टिविटी थर्ड में भी फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया गया है, तो ये आप रीड करेंगे और समझेंगे. सो 1, 2, 3 एक्टिविटी आप लोग रीड करेंगे और समझेंगे. इसमें अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप उसे कंसल्ट करें. सो स्टूडेंट्स, गुड डे एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ.